दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करण देव कंबोज ने कहा कि सरकार द्वारा इंद्री में 50 बेड अस्पताल बनाया जाएगा। इंद्री में सब डिवीजन अस्पताल बनने से करीब 4 लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य मंत्री अपने कार्यालय में लोगों की समस्या सुन रहे थे। डिजिटल एक्सरे मशीनें आएगी। सभी सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए करनाल या अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में मरीजों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। मरीजों को डॉक्टर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार लगी हुई है। जहां भी डॉक्टर नहीं है वहां पर नए डॉक्टरों को भेजा जाएगा। गांव में जो पिछली सरकारों ने डिस्पेंसरियां खोल लेती या प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल लेते, वाकई में इस प्रकार का जो है ना, कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो अभी हमारी बात हुई थी, मेरी बात हुई थी अपने हेल्थ मिनिस्टर श्रीमान अनिल विज जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी हम एक भी डिस्पेंसरी पूरे प्रदेश में नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पूरे प्रदेश का जो है ना एक खाका तैयार कर लिया और हर डिस्पेंसरी के अंदर जो है ना दवाई भी मिलेगी और डॉक्टर भी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने जो है ना ये प्रक्रिया शुरू की हुई है, तो इसमें जो है ना अच्छी आधुनिक सुविधाएं हैं। मैंने बात भी की थी कि हमारी यहाँ एक्सरे की मशीन जो है वो खराब पड़ी है, तो हेल्थ मिनिस्टर महोदय ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया कि जल्दी हम डिजिटल जो है ना एक्सरे मशीन है वो सारे हॉस्पिटलों में भेजने लग रहे हैं। इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।